हाउ टू गेट 6x6 विजन, 6x6 विजन कैसे मिले बिना सर्जरी के, बिना लेजर के, बिना लेसिक के, बिना मेडिसिन के। आई एम डॉक्टर गोयल फ्रॉम संजीवन फॉर परफेक्ट आईसाइट बॉम्बे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू अचीव 6x6 विजन। 6x6 विजन का मतलब है इस चैलेंज चार्ट में लास्ट की लाइन 6 मीटर से पढ़ने तो दैट इज 6x6 विजन, जिसको आउट ऑफ इंडिया 20x20 बोलते हैं। देखो 20 फीट में चेक करते हैं, वो यहाँ मीटर में चेक करते हैं। तो 6x6 फ्रॉम 6 मीटर इफ एनीबडी कैन रीड दिस लास्ट लाइन इज 6x6 विच इज अ नॉर्मल विजन। हाउ टू अचीव दैट, अगर आंखों में कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, पैथोलॉजिकल मतलब जैसे रेटिना पर्दा खराब नहीं है, नस ऑप्टिक नर्व खराब नहीं है, ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं है, आंखों में कोई बीमारी नहीं है, तो अगर विजन कम है तो विजन इंप्रूव की जा सकती है। बिना सर्जरी के, बिना लेजर, बिना लेसिक, बिना स्टेरॉइड, बिना एंटीबायोटिक के विजन को इंप्रूव किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें 6x6 विजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे डिफेंस है, एविएशन है, रेलवेज हैं, बैंकिंग है, एंड सो ऑन। 6x6 विजन अगर बिना ग्लासेस के मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, जो कि नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया में मिल सकती है। यहां संजीवन फॉर परफेक्ट आईसाइट बॉम्बे का मोटो है, व्हाट एवर एनीबडी सीज थ्रू ग्लासेस दे शुड सी विदाउट ग्लासेस। दैट इज द मोटो ऑफ द संजीवन फॉर परफेक्ट आईसाइट बॉम्बे। उसको अचीव कैसे करें, विजन इंप्रूवमेंट का एक ही साधन है, दैट इज विजन थेरेपी। विजन थेरेपी जो यहां पर मेनली यूज की जाती है, विजन थेरेपी का मतलब है साइंटिफिक स्पेसिफिक आई एक्सरसाइजेस, आंखों की एक्सरसाइज। इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स टू कोऑर्डिनेट ब्रेन एंड आईज। ब्रेन और आईज को कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आईज आर पार्ट ऑफ ब्रेन। माँ के पेट में जब बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है तो दो आई बट साथ साथ बनती है। वी सी थ्रू ब्रेन, मैं अगर किसी की तरफ देख रहा हूं लेकिन कुछ सोच रहा हूं तो आंखें उधर है लेकिन मैं नहीं देख रहा हूं, तो वी सी थ्रू ब्रेन। वी हैव टू कोऑर्डिनेट ब्रेन एंड आईज, व्हाट वी डू इन विजन थेरेपी। विजन थेरेपी को ज्यादा डिटेल में समझें तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज एंड थेरेपीज इन फ्रंट ऑफ नेचर विदाउट द मशीन टू कोऑर्डिनेट ब्रेन एंड आईज। जैसे डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ सन, सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत सारी थेरेपीज होती है। सन नहीं है तो इन फ्रंट ऑफ नेचुरल लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो और कमिंग फ्रॉम द डोर, वो भी नहीं है तो इन फ्रंट ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, इन फ्रंट ऑफ चार्ट्स, इन फ्रंट ऑफ स्विंग, इन फ्रंट ऑफ कैंडल, बॉल, बीड। ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है विजन थेरेपी का, एंड ये स्पेशलाइज इंडिविजुअलाइज पर्सनलाइज होती है। सपोज 10 नियर साइटेड के केस हो, माइनस नंबर मायोपिया, तो सबका ट्रीटमेंट एक जैसा हो जरूरी नहीं, उम्र अलग होती है, मैटर अलग होते हैं, विजन अलग होती है, बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं। ये ट्रीटमेंट भी वैसे ही डिफर करता है, स्पेशलाइज इंडिविजुअलाइज पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है जो संजीवन को परफेक्ट आईसाइट का बेस है। ट्रीटमेंट के लिए रिजल्ट पहले दिन से आना शुरू हो जाता है, फ्रॉम डे वन पर्सन कैन इम्प्रूव विजन बाय विजन थेरेपी। विजन थेरेपी इतना इजी सब्जेक्ट है जो कि आराम से फॉलो किया जा सकता है, हालांकि स्पेसिफिक है, इंडिविजुअलाइज पर्सनलाइज स्पेशलाइज रहता है। रेगुलरली सिंसियरली फॉलो किया जाए तो विजन को इंप्रूव किया जा सकता है, बिकॉज बाय विजन थेरेपी वी कैन इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आईज, वी कैन कंट्रोल द मसल्स आल्सो, वी कैन मेक द मसल स्ट्रेंथन, स्ट्रांग कर सकते हैं, सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं, जूमिंग पावर बढ़ा सकते हैं, आई हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। आई हेल्थ का मतलब है हेल्थ ऑफ द एच एंड एवरी पार्ट ऑफ द आई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेटिना टू कॉर्निया। रेटिना जो पीछे का पार्ट है, कॉर्निया जो आगे दिखता है, इंक्लूडिंग द नर्व्स आल्सो जो आईज और ब्रेन को कनेक्ट करती है, ऑप्टिक नर्व। वी कैन इंप्रूव एवरी पार्ट ऑफ द आईज की हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है, जूमिंग पावर इंप्रूव किया जा सकता है। चाहे आप छोटी चीज देखें या बड़ी चीज देखें, जूमिंग पावर अच्छी हो, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो, तो आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सर्जरी नहीं है, कोई लेसिक लेजर नहीं है, कोई मेडिकेशंस नहीं है, बट यू कैन इंप्रूव योर विजन, दैट कैन बी पॉसिबल। विजन थेरेपी के अलावा गुड हैबिट्स फॉर द आईज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट टू फॉलो, व्हाट आर द गुड हैबिट्स फॉर द आईज, आंखों की अच्छी हैबिट्स कौन कौन सी है? बहुत सारी अच्छी हैबिट्स है। हम किसकी तरफ देखते हैं, कैसे देखना, द वे ऑफ सीइंग ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू शुड नॉट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन द आईज। कहीं भी अपन देखते हैं तो स्ट्रेस से स्ट्रेन से नहीं देखना चाहिए, दैट इज हार्मफुल फॉर द आईज। यू शुड बी रिलैक्स्ड वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर और वर्किंग नियर विजन में। अगर कोई भी काम करते तो नियर फार शिफ्टिंग होना चाहिए। नियर फार शिफ्टिंग मीन्स अगर हम नियर वर्क कर रहे हैं तो कुछ देर बाद दूर देखना चाहिए। उसको 20-20-20 रूल भी बोलते हैं, 10-10-10 रूल भी बोलते हैं। इसका मतलब 10 फीट अवे 10 सेकंड के लिए 10 मिनट के अंदर देखना चाहिए, दैट इज द रूल। बट वॉट आई, थोड़ा सा मैं अंतर इसमें बताता हूं कि 10 मिनट में अगर जितना मैक्सिमम डिस्टेंस, सपोज आप विंडो की तरफ, आपका कंप्यूटर है या आपका फेस विंडो की तरफ, तो फार मोस्ट पॉइंट जो आप देख सकते हैं वहां ब्लिंक करें फॉर 10 सेकेंड्स, फ्यू फ्यू ब्लिंक्स एंड देन कम बैक टू योर वर्क। तो इट्स कॉल्ड एज नियर फार शिफ्टिंग। अगर आप दूर कुछ काम कर रहे हैं तो जब भी मौका लगे, या 10 मिनट में या 15 मिनट में, आपको फार नियर में ऑब्जेक्ट पे, जो भी आपके नियर ऑब्जेक्ट हैं उस पर देखकर ब्लिंक करना चाहिए। तो अगर पास में देख रहे हैं तो दूर देख के ब्लिंक करें, दूर देख रहे हैं तो पास में देख के ब्लिंक करें। दिस इज कॉल्ड एज नियर फार शिफ्टिंग। कभी भी किसी चीज की तरफ घूर के या स्ट्रेस स्ट्रेन से नहीं देखना चाहिए, दैट इज हार्मफुल फॉर द आईज। गुड हैबिट्स में लाइट प्रॉपर होना चाहिए। जहां भी आप स्टडी कर रहे हैं, बट ना तो बहुत ब्राइट लाइट होनी चाहिए ना बहुत डल लाइट होनी चाहिए, इट शुड बी कंफर्टेबल लाइट। आपका पॉस्चर, जो भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, पॉस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लिंकिंग, जो हम पलक झपकते हैं, दैट शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस। मैंने देखा है बहुत से लोग ब्लिंक कम करते हैं, जब ब्लिंक कम करते हैं तो ड्राई आईज एंड सो मेनी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। जो अपने आंसू बनते हैं उस सिस्टम को सिस्टमेटाइज करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए ब्लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड ब्लिंकिंग के लिए हमें कोई बाहर से मशीन लेनी है, इट्स नेचुरल प्रोसेस, बट वन शुड ब्लिंक कॉन्शियसली ऑल्सो, सो दिट बिकम ए हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग इज वेरी गुड पॉइंट इन विजन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो गुड हैबिट्स में फॉलो की जा सकती हैं। जैसे जो आपका लेवल ऑफ द बुक है या आपका कंप्यूटर है, दैट शुड बी ऑफ द आई लेवल। अगर ऐसे देखेंगे तो स्ट्रेनियस, ऐसे देखेंगे तो स्ट्रेनियस। इफ इट इज आई लेवल, इट्स ऑलवेज कंफर्टेबल। आपका हाइड्रेशन, आपका हाइड्रेशन, जैसे बहुत से लोग लगातार काम करते हैं, लिक्विड पानी पीना भूल जाते हैं, लिक्विड्स नहीं लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। यू शुड टेक प्रॉपर हाइड्रेशन। आपका डाइट, डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अच्छी न्यूट्रिशन लिया जाए, जैसे हाई कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन्स लॉट मेनी गुड गुड फूड्स फॉर द आईज। जियाजेंथिन, बिलबेरी, ल्यूटिन, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दे आर गुड फूड फॉर द आईज एंड गुड फूड फॉर द रेटिना, मैक्यूला पार्ट, सेंटर पार्ट ऑफ द रेटिना, उसके लिए बहुत अच्छा खाना है। और ये हाई कलर्ड फ्रूट्स और हाई कलर्ड वेजिटेबल्स में रहते हैं। तो आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपकी न्यूट्रिशन है, परावर नट्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, दैट इज गुड फॉर योर स्टोमक एंड फॉर योर आईज ऑल्सो। ओमेगा 3 ओमेगा 9 इज वेरी गुड फॉर ड्राई आईज, दैट इज अवेलेबल इन द फिश। सालमोन टूना फिश के एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, या एल्गी करके जो वेज आता है, जैसे ये अलसी, इट्स कॉल्ड एज ब्लैक्सीड, दे आल्सो कंटेन ओमेगा 3 ओमेगा 9। तो जरूर नहीं आप फिश का एक्सट्रैक्ट लें, आप वो फ्लैक्सीड भी ले सकते हैं। प्रॉपर रेस्ट टू द बॉडी एंड आईज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर सो मेनी अदर प्रोसेस आर फॉलोड, बीइंग फॉलोड हियर इन संजीवन फॉर परफेक्ट आई साइट फ्रॉम 2004, एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड सक्सेस। वी कैन इंप्रूव विजन इन एनी केस, इन द पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब अगर इसमें कोई डिजीज है, जैसे रेटिना का प्रॉब्लम है, मैकुलर डिजनरेशन है, रेटिना डिसपिगमेंटोसा है, मैकुलर एडिमा है, ऑप्टिक एट्रोफी है, ऑप्टिक न्यूराइटिस है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, या विट्रेस में, अगर विट्रेस में हेजीनेस है,
अगर फ्लोटर्स हैं, देर सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट व्हिच कैन बी इम्प्रूव। हो बढ़िया, यहाँ विजन अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है, आई हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, जूमिंग पावर बढ़ाई जा सकती है, अल्टीमेटली विजन इम्प्रूवमेंट होता है। मैं चाहता हूं कि हर इंसान की विजन बहुत अच्छी हो। अगर आप ओल्ड टाइम में देखें, इतिहास में पहले देखें, तो वहाँ चश्मे बहुत कम हुआ करते थे, आंखें वही हैं लेकिन लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, लाइफ स्टाइल में नियर वर्क बहुत ज्यादा हो गया है। तो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आईज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम अगर स्पेक्स लगाते हैं तो जनरली देखा गया है कि दूर के लिए चश्मा जो दिया जाता है नियर साइटेडनेस में, मायोपिया में माइनस नंबर, वो चश्मा सुबह से लेकर शाम तक नियर वर्क और फार वर्क दोनों में एक जैसा लगाते हैं, ये आपको वो स्ट्रेस ट्रेन करता है, क्योंकि नियर में तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं थी, जब नियर विजन तो आपकी अच्छी है, ये फिर भी आप वो चश्मा लगा के नियर वर्क करते हैं तो आंखें आर वेरी इनोसेंट ऑर्गन, दे विल कॉपरेट विद यू बट दे विल गेट स्ट्रेस देन स्ट्रेन, तो आपका नंबर बढ़ता रहता है। अगर नंबर ही आंसर होता तो सबको लाइफ में एक ही नंबर मिलता, वाइस कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज यू आर स्ट्रेसिंग एंड स्ट्रेनिंग दिस। अगर आप चश्मा भी पहनते हैं तो यू शुड वेयर चश्मा फॉर वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर, अगर डिस्टेंस के लिए जरूरी है तो डिस्टेंस में पहने, नियर के लिए तो नियर में पहने, वाई ऑल द टाइम द सेम ग्लासेस। लेकिन मेरा मोटो ये है, मेरा पर्पज ये है कि आपको चश्मा नहीं लगाना पड़े या बहुत कम लगाना पड़े, आपका रिक्रूटमेंट हो उसमें आपकी विजन क्या मैटर बीच में नहीं आए, आपकी 6x6 विजन हो जहां कोई लेसिक लेजर नहीं करना पड़े, क्योंकि लेसिक करने के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट है, बहुत लोग आते हैं जिनको लेसिक के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है, मेडिकेशन ना लेना पड़े, कोई ड्रॉप नहीं डालनी पड़े, यू कैन इम्प्रूव योर विजन नेचुरली जैसे कि ओल्ड टाइम में हुआ करता था बाय फॉलोइंग विजन थेरेपी, गुड डाइट, गुड हैबिट फॉर द आईज एंड गुड लाइफ स्टाइल। सो दीज आर इम्पोर्टेंट इश्यूज एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स विच कैन बी अचीव्ड ए 6x6 विजन। और बाकी असिस्टेंस के लिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट हेयर फॉर संजीवन फॉर परफेक्ट आई साइट बॉम्बे, वी आर देयर टू हेल्प यू, वी कैन अचीव योर विजन, वील ट्राई टू अचीव योर विजन 6x6 विदाउट एनी ग्लासेस, विदाउट एनी कॉन्टेक्ट लेंसेज, विदाउट एनी लेजर, विदाउट एनी लेसिंग। सो इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट अस, दे ऑल डिटेल्स आर डिस्क्राइब बिलो, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन फिल द फॉर्म एंड कॉन्टेक्ट अस, सो वी कैन हैव ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन एंड देन वी कैन टॉक टू यू, वील ट्राई टू सॉल्व योर आई प्रॉब्लम्स विदाउट एनी इनवेसिव प्रोसीजर्स। सो आज मैं इतना ही बात करना चाहूंगा इस वीडियो में, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी प्लीज यू कॉन्टेक्ट अस। We'll see you in the next video. Thank you. Sanjeevan Eye Care for perfect eyesight.